फिलहाल जो है आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर वो है डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जन एंड कर्ल ऑफ वेक्टर। ये तीन चार चीज़ें हैं जो ये डेफिनेशन सहित आप डेफिनेशन भी याद कर लें थोड़ा, ठीक है। लास्ट पेपर में डेफिनेशन भी आई इनकी लिखने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर देखिए, डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल ऑफ वेक्टर पे आपके जो है न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एक आध न्यूमेरिकल आएगा, इनमें से किसी एक पर न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। उसके अलावा गॉस, स्टॉक एंड ग्रीन थ्योरम जो है ये इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा पांच नंबर में, वो वेरीफाई करने के लिए आएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये थ्योरम ही आ जाए आपको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, सीधे 15 नंबर में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गॉस, स्टॉक एंड ग्रीन थ्योरम में वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आएगा और आपको करना पड़ेगा वो, ठीक है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर कैपलर लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको पढ़ लेना। लेकिन प्रीवियस ईयर में ये नहीं आए हैं, बट पढ़ लेना, पढ़ के जाना। एंड कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग, मतलब इसको अच्छे से तैयार करके ही जाएं। इस कंजर्वेटिव फोर्स में आपको यही क्वेश्चन के साथ में इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दिखाई देगा, जिसमें बोला जाएगा कि ये प्रूफ करना है एफ इक्वल्स टू माइनस ग्रेड यू या एफ इक्वल्स टू माइनस डेल वी, ये आपको प्रूफ करना होगा कंजर्वेटिव फोर्स के साथ में, ठीक है। और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आप लोग पढ़ लें अच्छे से, इसको पढ़ के जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ग्रेविटेशन में आपके डेरिवेशंस है कुछ, उन डेरिवेशंस को आपको तैयार करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ कौन कौन से डेरिवेशन है। अब देखिए, ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी डेरिवेशन है एक, इसको आपको तैयार करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्पेरिकल सेल, इसके कारण जो है इसको आपको तैयार करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, इसके इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। मैं जानता हूँ ये आपको तैयार करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको इनको तैयार करने में होगी, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसके सॉल्यूशन मिलते नहीं है जल्दी, आपको दिक्कत बहुत आएगी, ठीक है। आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बट मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर बता दूं, इन पे बहुत ज़्यादा टाइम खराब मत करना। अगर आपके समझ नहीं आ रहे हैं तो इनको लैप्स कर देना, इसके अलावा कुछ और पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन इन पे ज़्यादा समय खराब मत करना, समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, वरना रट लो, जो भी करना है आप कर लो, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। एंड पांचवा क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ये आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, एक्सिस समांतर अक्षों की प्रमेय हिंदी में बोलते हैं इसे, और लंबवत अक्षों की प्रमेय, तो ये आप पढ़ चुके हैं। इसको आप लोग फोकस करके अच्छे से माइंड में बिठा लें भैया, इनको पढ़ लें, 11th का क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर में आया भी है, ठीक है। और उसके अलावा सिक्स जो क्वेश्चन है कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम पे आप फोकस करके जाएं, पढ़ के जाएं। और पाइथन रेशियो जो है आपका सिग्मा, इसको आप लोग पढ़ लें। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको देखूँ, रिलेशन प्रूफ करने के लिए आता है एक। अब हो सकता है वो ये वाला रिलेशन आ जाए या ये हो सकता है ये वाला रिलेशन आ जाए, ठीक है। अब ये रिलेशन दो तरीके से आता है, एक तो इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा प्रूफ करने के लिए, और ये इस तरीके से। अब ये 15 नंबर में आएगा रिलेशन, ठीक है, 15 नंबर में आया लास्ट ईयर में, तो इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। ये गामा के एंड सिग्मा में रिलेशन है, और ये गामा ईटा एंड सिग्मा में रिलेशन है, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लें बढ़िया तरीके से, ये पिछले साल 15 नंबर में आया है क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, वर्नोली थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इसी चैप्टर का है ये भी, और मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ये पढ़ के जाएं आप लोग, ठीक है। और उसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये आपका आया भी है लास्ट ईयर में, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके जाएं, बढ़िया तरीके से मतलब तैयार कर लें। बाकी इसमें बर्नौली थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। एंड क्वालिटी फैक्टर नेक्स्ट जो है वो है क्वालिटी फैक्टर 5, इसको आप लोग तैयार करें। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को तैयार करेंगे, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को आप तैयार करेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिजासू फिगर, जो लिजासू फिगर हैं आपके ना ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर में आया पिछले साल ये क्वेश्चन, तो इसको आप
पढ़ के जाएं, क्या पता इस साल भी कुछ 5 नंबर में दे दे या 15 नंबर में दे, कुछ पता नहीं भाई कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। तो लिजासु फिगर्स को आप पढ़ के जाएं भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपकी फ्यूरियर थ्योरम जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई नहीं है पिछले 1-2 साल से नहीं आई है फ्यूरियर की थ्योरम, लास्ट ईयर भी नहीं आई है। बट आप लोग पढ़ लेना, लेकिन काफ़ी लंबी है, मैं पहली बता दूं आपको, दिक्कत आएगी पढ़ने में, बट पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना। एंड 12 है आपका अल्ट्रासोनिक बेब्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अल्ट्रासोनिक बेब्स के बारे में पूरी जानकारी पढ़ लेना, उसकी प्रॉपर्टीज़, अल्ट्रासोनिक बेब्स क्या होती हैं, स्पेक्ट्रम, सारी चीज़ें अल्ट्रासोनिक बेब्स के बारे में पढ़ना है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आप लोग पढ़ के जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी लेके जाएंगे आप लोग, मोमेंट ऑफ इनर्सिया की पूरी जानकारी लेके जाना इसकी, ठीक है। क्या पता क्वेश्चन किस टाइप का वो बना दे।